अगर आपके घुटने में दर्द होता है तो आपको कुछ खतरनाक बीमारियां हो सकती है। जी हाँ, तो चलिए जानते हैं कि आखिर घुटनों के दर्द के कारण कौन कौन सी बीमारियां होती है और क्या है इसके घरेलू उपचार। तो आपको बता दें, बर्साइटिस, घुटने पर बार बार दबाव से सूजन, जैसे लंबे समय के लिए घुटने के बल बैठना, घुटने का अधिक उपयोग करना अथवा घुटने में चोट होना, ये सब लक्षण बर्साइटिस का होता है। टेंटिनाइटिस, आपके घुटने के सामने की ओर दर्द जो सीढ़ियां अथवा चढ़ाव पर चढ़ने और उतरते समय बढ़ जाता है, ये धावकों, स्क्वायर और साइकिलिंग चलाने वालों को होता है। वहीं बेकर्स सिस्ट, घुटने के पीछे पानी से भरा सूजन, जिसके साथ अर्थराइट्स जैसे अन्य कारणों से सूजन भी हो सकती है। यदि सिस्ट फट जाती है और आपके घुटने के पीछे का दर्द नीचे आपकी पिंडली तक पहुंच जाता है तो आप बेकर्स सिस्ट के लक्षण से आप ग्रसित हैं। वहीं घिसा हुआ कार्टिलेज, घुटने के जोड़ के अंदर की ओर अथवा बाहर की ओर दर्द पैदा करता है। घिसा हुआ लिगमेंट घुटने में दर्द और अस्थायित्व उत्पन्न कर सकता है। घुटनों के दर्द का उपचार भी हम आपको बताते हैं। सवेरे मेथी दाना के बारीक चूर्ण की एक चम्मच की मात्रा में पानी के साथ फंकी लगाने से घुटनों का दर्द समाप्त होता है, विशेषकर बुढ़ापे में घुटने नहीं दुखते। सवेरे भूखे पेट 3-4 अखरोट की गिरियां निकालकर कुछ दिन खाने से घुटनों का दर्द समाप्त हो जाता है। नारियल की गिरी अक्सर खाते रहने से घुटनों का दर्द होने की संभावना नहीं रहती। रोजाना 2-3 बार अदरक की चाय पिए, अदरक का रस को पानी में मिलाकर उबालें और शहद एवं नींबू के रस के साथ मिलाकर पिए। आधा चम्मच हल्दी को एक गिलास पानी में डालकर उसे उबालें और शहद के साथ लें। 4-5 बादाम, 5-6 साबुत काली मिर्च, 10 मुनक्का, 6-7 अखरोट प्रयोग करें। इन सभी चीजों को एक साथ मिलाकर खाएं और साथ में गर्म दूध पिए। कुछ दिन तक यह प्रयोग रोजाना करने से आपको घुटनों के दर्द से आराम मिलेगा। क्यूरियन हेल्थ डेस्क की रिपोर्ट। सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट।